श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। संभावना है वो कब होने की संभावना? सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10 दिसंबर 2023 रविवार का दिन है। वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है और वक्त सबका बदलता है, और ये बात सोने चांदी में बिल्कुल फिट बैठती है। जहां मंडे तक सोने चांदी में केवल तेजी 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 की बात हो रही थी, 80,000 85,000 सिल्वर में, सोने में 65,000 70,000 के लेवल्स दिख रहे थे, वहीं पे आज 5 दिन के बाद वापस लोगों को 60,000 और 58,000 के लेवल नज़र आने लगे हैं। जहां पर गोल्ड में 2200 और $2,400 की बात हो रही थी, वापस वहां पर लोगों को 1950 और 1900 के लेवल्स दिखने लगे हैं। इसलिए कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, कभी भी किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। बाजार सबको मौका देता है, बस उस मौके का इंतज़ार करना आना चाहिए, और यही मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। चांदी पे डिटेल्ड एनालिसिस कल ही पोस्ट कर चुका हूँ और आप में से बहुत से लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनके लिए यहाँ पर मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो में अब हम बात करेंगे सोने के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले कॉपी पेन ले लीजिए, जो भी मैं बताता हूँ उन्हें आप नोट करते चलिए, साथ ही साथ चार्ट पर ड्रॉ भी करते चलिए, और जो भी कुछ करें उससे पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह लें या सेल्फ लर्निंग ज़रूर करें। ये वीडियो पूरी तरह से आपके नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी तरह से ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये 3 कैंडल में आपको दिवाली के बाद तेजी नज़र आएगी। वो पूरी तेजी को इस एक सिंगल कैंडल ने लगभग शेडो कर दिया है, ये जो वाली जो तेजी है इसको लगभग शेडो कर दिया है। और केवल शेडो नहीं किया है, यानी कि रिवर्स नहीं किया है, अगर इस कैंडल के कॉन्टिन्यूएशन में हमें कैंडल मिलती है तो ये गिरावट और भी इंटेंसिफाई हो सकती है। तो हम उन सारे पहलुओं पर इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो जो भी कुछ मैं बताता हूँ वो हवा में नहीं बताऊँगा, आपको चार्ट पर बताऊँगा। तो जो भी कुछ कहूँ उसे आप नोट करते चलिए, समझते चलिए, ताकि आने वाले समय में आप उसका फ़ायदा भी ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डेटा आने वाले हैं, कल से जो डेटा आने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हफ्ता है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्यूसडे से ही डेटा की बारिश होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ट्यूसडे 12 को सीपीआई का डेटा, आपको पता है सीपीआई इतना बड़ा फैक्टर है जिससे फेड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स और अपने फ्यूचर पॉलिसीज को डिफाइन और डिसाइड करता है। तो अगर आप सीपीआई का डेटा देखेंगे तो शाम को 7 बजे आएगा और सेम डेटा रहने की उम्मीद है, और जो सीपीआई कोर सीपीआई है वो लगभग सेम रहने की उम्मीद है, लेकिन मंथ ऑन मंथ में हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो वो भी हमें लगभग फ्लैट टू थोड़ा बहुत नेगेटिव, ये एक्सपेक्टेशन है। फिर अगला यानी दिसंबर 13 का दिन वेडनेसडे, उस दिन पीपीआई का डेटा आएगा शाम को, कुछ चाइना के इम्पॉर्टेंट डेटा आएंगे, लेकिन रात में हमें आता हुआ दिखेगा फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन और उसके साथ ही जेरोम पावेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन एंड डिसाइड करेगा। थर्सडे को चलते हैं वेडनेसडे के बाद, तो आपको जॉबलेस क्लेम के डेटा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइस के डेटा, रिटेल कंट्रोल के डेटा, ये सारे डेटा आते हुए दिखेंगे, और फ्राइडे जाते जाते चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा। फिर हमें जो है वो शाम को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा आते हुए दिखाई देगा। तो ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है डेटा के लिहाज से। तो चलिए वापस चलते हैं
और सोने में एक नई कहानी की शुरुआत क्या हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। इस कैंडल का मतलब क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे। और चलते हैं सीधे चार्ट पे और दिखाते हैं कि क्या हुआ। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अक्टूबर में यहाँ युद्ध से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये युद्ध हुआ था और यहाँ से ये पूरी तेज़ी एक बिल्डअप होते हुए दिखाई दी। देखिए ये पूरी तेज़ी एक बिल्डअप होते हुए दिखाई दी, उसमें आपको एक ब्रीदर यहाँ पे देखने के लिए मिला। यहाँ पे जो हाई बना है 61,539 और लो बना है 59,551, तो 61,539 से 59,551 तक की एक गिरावट हमें देखने के लिए मिली और वहाँ से फिर प्राइसेस में वापस जो तेज़ी आई वो इसे 64,063 तक लेकर गई। लेकिन 64,063 तक जाने के बाद वहाँ से एक तेज गिरावट हमें प्राइसेस में आते हुए दिखाई दी। और अगर मैं उसे दिखाऊँ आपको तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए, उसके बाद हमें एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली और वो प्राइसेस को काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ लेकर आई है। ये देखिए यहाँ से हमें एक तेज गिरावट देखने के लिए प्राइसेस के अंदर मिली है। अब ये जो कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है जिसमें कि टॉप था 64,460 का, याद रखिए ये गोल्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जो ट्रेड हो रहा था दिसंबर वाला, उसका हाई है। बट अगर आप ट्रेडेबल हाई देखेंगे तो 64,063 का है और नीचे जो लो बना है 61,625 का बना है। तो मोटा मोटा 2400 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली और बाज़ार जो है वो नीचे की तरफ क्लोज होता हुआ दिखा है। डेली में देखेंगे तो बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुआ है, मंडे को अगर छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार बाज़ार में एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। और अब सोना 61,770 पे खड़ा है और जो लो लगा है वो 61,625 का बनता हुआ दिखाई दिया। तो क्या हो सकता है आने वाले समय में, हमें किस तरह की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा या जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा बाजार का, वो आप नोट करिए और वो आपको आता हुआ दिखेगा 61,350 के आसपास। लिखते जाइए 61,350 सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला सपोर्ट होगा बाजार में। मैं वीकली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ और अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको 60,870 के आसपास आता हुआ दिखेगा। लाइए लिख देता हूँ मैं, सपोर्ट की बात कर रहे हैं पहले हम। तो पहला जो सपोर्ट है 61,350, ये टूटना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा आपका वो आएगा 60,870 और उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट है थर्ड वो आएगा 60,300। क्लियर हो गया 60 था। अब आपको बड़ा लग रहा होगा कि यार तीसरा सपोर्ट तो 60,300 पे, बाज़ार 61,719 या 717 के आसपास बंद हुई है, तो 1400। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे और जिस तरह की वोलेटिलिटी अभी सोने के अंदर है तो 60,300 को टच करना या 60,870 को टच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरह से डेटा है, इन तीनों सपोर्ट की इम्पॉर्टेंस को समझिए। 61,350 क्यों इम्पॉर्टेंट है, 60,870 क्यों इम्पॉर्टेंट है और 60,300 क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको समझना होगा। क्योंकि ये तीनों ही सपोर्ट बाज़ार में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। वहीं पर मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे बाज़ार के अंदर, तो उनको आप प्लीज़ अब आप नोट करिए, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। 61,719 पे टू बी प्रिसाइज क्लोजिंग देखने के लिए मिली है 61,719। तो जो पहला हमें रेजिस्टेंस और सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो हमें देखने के लिए मिलेगा 61,980 के आसपास, सबसे क्लोज रेजिस्टेंस जो हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा 62,400 के पास आएगा और जो तीसरा और फाइनल रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है वो आएगा 62,900 के पास। ये तीन इंपॉर्टेंट
रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, इससे 900 से 63,100 भी आप कर सकते हैं, एक रेंज ले सकते हैं फाइनल रेजिस्टेंस के लिए। तो ये अब अगर हम बायसनेस की बात करें तो बाजार में बायसनेस किधर का हो सकता है, मोमेंटम किधर का हो सकता है। देखिए एक चीज़ जो हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बाज़ार में दिखाई दे रही है, वो ये है कि 61,350 ये जो है ना मेक और ब्रेक लेवल मानना चाहिए बायर के लिए। अभी 61,350 ये मेक और ब्रेक लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है तो फिर 500-700 पॉइंट और शेव ऑफ हो जाएंगे बाजार से, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। 61,350, 61,400 या 300 से 400 एक रेंज समझ लीजिए पोजिशनली जो होल्ड कर रहे हैं या जो स्विंग ट्रेड में खेलना चाहते हैं उनके लिए। अगर इसके नीचे बाजार जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर आराम से 60,900 की तरफ बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बाजार इधर की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर 60,900 तोड़ता है तो फिर बाजार 60,350 तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो बायर के लिए 61,350 एक मेक और ब्रेक लेवल है, और अगर आप सेलर हैं तो फिर आपके लिए भी यही मेक और ब्रेक लेवल है कि अगर ये लेवल होल्ड हो गया और बाज़ार यहां से रुक कर जाना शुरू हो गया तो 62,300-400 तक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जिस हिसाब से बाज़ार ओवर सोल्ड हुआ है छोटे टाइम फ्रेम्स में, तो 62,300-400 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और एक चीज़ और, जो क्लोजिंग हुई है अभी इंटरनेशनल मार्केट में, जो बाज़ार क्लोज हुआ है वो 2004 के आसपास क्लोज हुआ है, 2004, और जब इंडियन मार्केट बंद हुई थी तो उस समय पे बाजार जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 1996-97 के आसपास। तो लगभग अभी के हिसाब से, अब एशियन मार्केट क्या करता है, बाजार को नीचे खींच लेता है या ऊपर ले जाता है वो अलग बात है, लेकिन अभी के हिसाब से $7 ऊपर बंद हुआ है। और अगर हम उसको MCX में कन्वर्ट करें तो बाजार लगभग 62,000 के आसपास क्लोज हुआ है, 62,000 के आसपास हमें गोल्ड की क्लोजिंग होते हुए दिख रही है एज पर कॉमिक्स, जो कॉमिक्स में स्पॉट की क्लोजिंग आई है वो 2004 आई है, और अगर उसको हम कन्वर्ट करें या उसको मैच करें तो 62,000 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। तो मंडे को एशियन सेशन किस तरह से होल्ड करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इसको आप गौर करिएगा। इसमें आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन का काम कर रही है। अब कोई भी बाजार में अगर मूवमेंट होती है तो इसको बोलते हैं डाउनसाइड लाइन, यानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन। तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो बार बार इसको टच करके नीचे की तरफ आएगा। ये एक हाइपोथेसिस है, जब भी हम एनालिसिस करते हैं चार्ट के बेसिस पर और फ्यूचर के रेफरेंसेस देते हैं तो हाइपोथेसिस, डेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, बॉन्ड यील्ड्स पे हमें नज़र रखनी है, CPI के डेटा पे नज़र रखनी है, फेड की टेस्टिमनी पे नज़र रखनी है, ये सारी चीज़ें। और जो NFP का डेटा आया था वो डॉलर के फेवर में था, गोल्ड सिल्वर के लिए वो डेटा निगेटिव था, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उसमें से लगभग 30,000 जॉब्स ऊपर आई थी, और ये जो जॉब्स के डेटा होते हैं इससे माना जा रहा है कि भाई इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी अगर इकॉनमी में इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इतने ज़्यादा जो पेरोल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उस तरह का एक स्क्वीज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और फेड के पास अभी भी रूम है, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। और कहीं अगर CPI डेटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो हो सकता है कि जो फेड की टेस्टिमनी हो वो अग्रेसिव हो। आपको याद होगा जो पिछले मिनट्स ऑफ मीटिंग आए थे उसमें भी ये क्लियर था कि फेड ने ये नहीं कहा कि हम अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन उसने ये कहा कि हम बहुत जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट घटाएंगे भी नहीं, 2024 इवन 25 तक हो सकता है कि हाई इंटरेस्ट रेट का पीरियड रहे, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिल वेरी स्टिकी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग
मीटिंग ऑफ मिनट्स में किया गया है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से मेजॉरिटी इस बात को लेकर अग्री थी कि डेटा को देखते हुए आगे डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखने के लिए ना मिले, लेकिन जो लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इनमें रिडक्शन शुरू हो जाएगा, वैसा भी होता हुआ। क्योंकि देखिए, जो मेन पर्पस था फेड का इंटरेस्ट रेट को हाई करने का, वो एग्ज्यूबरेंस को रोकना था। अब वो किसी भी तरह से तो रुका नहीं है। आप जॉब्स के डेटा देखें, जीडीपी का डेटा देखें, सीपीआई का डेटा देखें, या सीपीआई कूल डाउन हुआ है, नो डाउट काफ़ी कूल डाउन हुआ है। अगर आप उसको पिछले साल के लेवल से कंपेयर करेंगे, तो जब फेड ने एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स करना शुरू किए थे तो वहाँ से वो कूल डाउन होना शुरू हुआ। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं, समझिए उसको, जो फंडामेंटल्स की नॉलेज रखते हैं या सीखना चाहते हैं, बहुत से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको फेड क्लोजली वॉच करता है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट को बार बार वो नहीं किया जा सकता कि एक बार उसने आपने कम करने की कोशिश करी, फिर से इन्फ्लेशन एकदम से शूट आउट कर गया और फिर आपने वहाँ से उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब भी फेड उसको रिवर्स करना शुरू करेगा, उसके हाथ में बहुत कॉन्क्रीट डेटा होना ज़रूरी है। और यही पॉइंट मैं आपको पिछले 3-4 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए जब भी बाज़ार को थोड़ी बहुत ये उम्मीद दिखती है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को कर्टेल करेगा, वहाँ से हमें एक तेज़ी देखने के लिए मिलती है। और यही हुआ, जो ये 64,000 समथिंग तक गया, वो युद्ध की वजह से नहीं गया, इसराइल हमास के रोल की वजह से नहीं गया, वो उस एक्सपेक्टेशन की वजह से गया। लेकिन फिर जैसे ही डेटा पॉइंट्स मिले और प्राइसेस, क्योंकि देखिए 21 जाकर किसी फोरम में ये लिखना कि सोना 2500 चला जाएगा, या वीडियो बना देना, या ये कह देना कि सोना $3000 चला जाएगा, $2500 चला जाएगा एकदम से, ये आसान है। लेकिन वहाँ पर उस लेवल के बायर्स मिलना, वहाँ पर होल्डिंग करने वाले मिलना, ये मुश्किल है। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही सप्लाई जोन में सोना जा रहा है, वहाँ से एक तेज बिकवाली हमें देखने के लिए मिल रही है। आपको जो ये 2146 जो कि मॉर्निंग एशियन सेशन में मंडे को बना था, फ्राइडे को आपको पता है सोना तेज बंद हुआ था, 63,370-64,000 के आसपास हमें क्लोजिंग दिखी थी। इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है 2075 का हाई लगा के लगभग 2072-73 के आसपास क्लोजिंग दिखी थी। थोड़ा सा आंख बंद करेंगे जो लोग क्लोजली वॉच करते हैं, मेरी बात से रिलेट करेंगे। मंडे को सुबह 6 बजे के आसपास वो एक तेजी आई, खुला फ्लैट 2072-73 के आसपास खुला, एकदम से वो तेजी आई, 2146 तक गया, 20-25 मिनट उधर ट्रेड भी किया 2110 से 2125-30 के बीच में। लेकिन जब तक हम खुलते, यानी जब तक पूरा एशिया पूरी तरह से खुलता, सोना $2100 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था। 2087 के आसपास, 86-87 के आसपास हम खुले, 2091 तक सोना इंडियन मार्केट के टाइम पर ट्रेड हुआ, और वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे कैटास्ट्रॉफिक गिरावट देखने के लिए मिली, और $100 की गिरावट हमें विद इन अ वीक देखने के लिए मिली है। तो ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं सोने के अंदर, $100 की मूवमेंट, $150 की मूवमेंट, ये छोटी मोटी मूवमेंट नहीं है। और जब भी इस तरह से एक टॉप बनता है, वो टॉप सस्टेन करता है। तो मुझे यही लगता है कि जब तक सोना $2051-$2050 तो थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, उसके नीचे है नेगेटिविटी प्रिवेल कर सकती है। मिनिमम भी अगर सोने को कोई एक लेवल चाहिए जिसके ऊपर निकलने के बाद हम थोड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, तो वो 2010 से 2015 का लेवल है। मैं कॉमिक्स के स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आने वाला हफ्ता, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आने वाला हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। याद रखिए, मंगल को CPI, बुध को PPI, रात में फेड इंटरेस्ट रेट, थर्सडे को जॉबलेस क्लेम का डेटा, फ्राइडे को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा इस हफ्ते और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। ये सारे लेवल मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे, और ना सिर्फ नोट किए होंगे बल्कि आपने ये समझा होगा कि ये लेवल अगर मैंने दिए हैं तो दिए क्यों हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इनके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। याद रखिए,
ट्रेडिंग तुक्का नहीं है। ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी एंड नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। लेट मी रिमाइंड यू, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज स्ट्रेटजी एंड नॉलेज बेस्ड बिजनेस। हु डोंट नो हाउ टू रन अ बिजनेस, दोज हु डोंट नो इनसाइड्स ऑफ द बिजनेस शुड नॉट कम इनटू दिस। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। डेटा पे अगर आप चाहते हैं मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। फेड पे अगर चाहते हैं कि मंगलवार को या बुधवार को मैं वीडियो बनाऊं, वो भी बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पे प्यार देना पड़ेगा, इसे लाइक करना पड़ेगा और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि लोगों ने 63,800 पे अपनी सेलिंग काटी और अब वो 61,700 पे दोबारा सेलिंग करने की सोच रहे हो कि नहीं भाई आप तो ब्रेक डाउन आ गया, अब यहाँ से तो सोना 55,000 चला जाएगा। तो संभलिए, लेवल्स को देखिए, सब कुछ लेवल के अंदर छुपा हुआ है। और बाजार में अगर सस्टेन करना है तो इंसान नहीं गिरगिट बनना पड़ेगा, रंग बदलना पड़ेगा। ट्रेंड तभी तक आपका साथी है जब तक वो बदल नहीं जाता। जब ट्रेंड बदल गया, आपका दोस्त बदल गया, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप हमारे साथ एंजल वन में। नीचे लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए, अकाउंट ओपन करिए, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हमारा श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्रेनिंग कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। जाइए पहले हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।